दोस्तों नमस्कार। 7 मई 2023 है, लेकिन हम सब जानते हैं कि 7 मई को वर्ल्ड लाफ्टर दिवस भी होता है। हमारे उदयपुर शहर में भी कई सारे लोगों ने अलग अलग गार्डन में जाकर, कोई गुलाबबाग गया, कोई सुखाड़े समाधि पे गया और अलग अलग जगह जाकर ये जो लाफ्टर वाली बातें है वो की। ये मेरा मेवाड़ न्यूज़ का ऑफिस है, स्टूडियो है। इस मौके पर ये है भावना जैन। भावना जैन योगा टीचर है और मुझे, मेरे लिए इसलिए खुशी की बात है कि ये मेरे सीनियर दोस्त भीमराजी जैन की बेटी है। तो मुझे कितनी खुशी हो रही होगी ये कोई समझ नहीं सकते हो कि हमारे दोस्तों की बेटियां इतना आगे बढ़ रही है और ये जितने भी देख रहे हैं वो सब भावना के लगभग शिष्य है। सबसे पहले तो मैं परिचय कराऊंगा, आप जोर से बोले। मेरा नाम अविचल है, अविचल गांधी, और मैं वहीं सर के पास में मेरा स्थान है, वहीं पे रहता हूँ, निवास स्थान है। तीज का चौक। यस, मेरा नाम है गौरव पांडे और मैं मैम का स्टूडेंट हूँ, अभी योगा सीख रहा हूँ और मैं तितड़ी रहता हूँ। तितड़ी जी। अच्छा, आप जोर से। मेरा नाम है अमेया भावसार, मैं सहेली नगर में रहता हूँ और पिछले 3 साल से मैं मैम के साथ योगा सीख रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ। इधर आओ बेटा, जोर से बोलो आप भी। मेरा नाम भावना नागौरी है, मैं मॉडर्न कॉम्प्लेक्स गुआना रहती हूँ और मैं भी मैम के अंडर अभी योगा ट्रेनिंग और ट्रेनर के थ्रू चल रही हूँ। तो ये देखिए अब आगे कैसे क्या होता है। बेटा भावना, आप हमारे इस न्यूज चैनल को बताइए ये लाफ्टर होता क्या है जी? क्या जरूरी है लाफ्टर कर रहे हैं पूरी दुनिया में आजकल लोग? तो यूं तो दिल से हंसी तो वैसे ही दोस्तों के साथ बैठे हुए तो हंसी आ जाती है, तो इस लाफ्टर दिवस की क्या जरूरत पड़ी उसके बारे में जोर से बताइए जी। सुप्रभात साथियों, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी डेन मेवाड़ को और अंकल को जिन्होंने हमें ये मंच प्रदान किया हमारी बात को कहने के लिए। अब हास्य योगा दिवस जो सारे विश्व में मनाया जा रहा है उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी इसकी जरूरत क्यों पड़ी। हमारे दिनचर्या में हमने हंसना हमने छोड़ दिया है, हम भूल चुके हैं, बहुत कम दोस्तों के साथ बहुत कम हम हंसते हैं। हंसना हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हास्य जो है उसे हमारे जीवन में सम्मिलित होने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है, जोर से मुस्कुरा के हंसना है। सिर्फ हंसने से ही हमारे सारे शरीर के रोग सही हो जाते हैं और हैप्पी हार्मोन का सीक्रेशन होता है, तनाव कम होता है, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। तो खुल के हमें डेली 15 से 20 मिनट हंसना चाहिए। तो हास्य योगा को दिनचर्या में शामिल करने के लिए विश्व हास्य योग जो दिवस है उसको मनाया जाता है। हास्य योगा बहुत ही बेनिफिट्स देता है और हम सभी जब आर्टिफिशियल हंसते हैं तो ओरिजिनल हंसी हमें आ ही जाती है। तो मैं और मेरी पूरी टीम थोड़ा सा हंसेंगे, आप सभी हमारे साथ इस हास्य का आनंद लेंगे। जब हम आर्टिफिशियल हंसेंगे तो देखिए ओरिजिनल हंसी आपको आ ही जाएगी। अंकल को भी इनवाइट करूंगी, आप भी हमारे साथ आके हंसिए थोड़ा सा, हमें जोर से हंसना है। अरे यार, मेरे को देख के लोग हंसते हैं वैसे ही। इसीलिए मैंने डेन मेवाड़ पे बात की क्योंकि हमारी उदयपुर की सबसे एंटरटेनिंग पर्सनालिटी मैं अंकल को मानती हूँ। अंकल सबको हंसाते हैं और खुश रखते हैं, इसीलिए शुरुआत मैंने यहाँ से की। हम सब साथ में हंसेंगे, जोर से ठहाके लगा के हमको हंसना है। अच्छा, ये लोग लगभग आप कितने टाइम करते हो, जब कभी करते हो? 15 से 20 मिनट हमको इसे कंटिन्यू अगर हम हमारी दिनचर्या में करते हैं तो सारे रोग सारे तनाव मिट जाते हैं। और इसे दिन में कम से कम 2 बार करना चाहिए, पूरे दिन में, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ। अच्छा। मैं तो, मेरा ये मानना है कि कॉर्पोरेट में, ऑफिस में भी लंच के बाद ऐसा सेशन होना चाहिए जिसमें हास्य योग करवाया जाए ताकि ऑफिस में जो स्ट्रेस जो क्रिएट हो रहा है वो खत्म हो जाए और भारत पूरा निरोगी हो जाए।
और विश्व भी निरोगी होगा। तो ये जो ट्रेनिंग है तो कहीं जाकर लेनी पड़ती है? हाँ जी, आप ये ट्रेनर हमारा सेंटर है आरुणि योगा मेडिटेशन सेंटर न्यू नवरत्न में है, वहाँ पर भी ले सकते हैं आप। और हंसी योगा के लिए हंसने की कोई ट्रेनिंग ही नहीं है, आप आर्टिफिशियल हंसी है और ओरिजिनल हंसी अपने आप आएगी और ब्रेन को पता नहीं है कि आप आर्टिफिशियल हंस रहे हैं। जब हम आर्टिफिशियल हंसते हैं तो भी हैप्पी हार्मोन का सीक्रेशन होने लगता है बॉडी में, तो आर्टिफिशियल हंसते हंसते हमें ओरिजिनल हंसी आ ही जाती है। एक चीज और मैं आग्रह करना चाहूंगी आपसे और उदयपुर में जो कलेक्टर महोदया है उनसे और महापौर जो भी ये उदयपुर संभाग को संभालते हैं, तो हम एक पहल करना चाहते हैं, योग करेगा उदयपुर तो निरोग रहेगा उदयपुर। इसके लिए हम फ्री में सेशंस लेना चाहते हैं। जहां भी उदयपुर में 20-30 मेंबर्स इकट्ठे हुए, आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे हमसे बात करिए, हम वहां जाकर फ्री में योग सिखाएंगे ताकि पूरा उदयपुर जो है वो फिट हो सके और निरोग हो सके। तो मैं तो भावना जी अभी नगर निगम में पार्षद हूँ जी, इसीलिए मैंने ये बात यहाँ पर कही। एक चिट्ठी लिखी है जी बिल्कुल, और हमारे महापौर जी को लिखी है, और महापौर जी टाउन हॉल बहुत बड़ा गार्डन है जी, वैसे ही लोग रोज सवेरे शाम को घूमने आते हैं, आप भी वहाँ बैठ जाइए जी बिल्कुल, और अपनी न्यूज प्रेस कर दीजिए कि हम वहाँ करेंगे। तो हमारे दोस्तों जैसा कि भावना जी ने कहा है कि लोग बाग निःशुल्क, इनके साथ आवे, और मैं हमारे नगर निगम के महापौर जी से कहूंगा ये भी अपनी चिट्ठी देवे तो कोई कोई फायदा होगा जी बिल्कुल। जो भी योगी है वो वसुदेव कुटुंबकम की भावना को मानता है, पूरा विश्व हमारा है। जब पूरा विश्व हमारा है तो हम ये पहल कर रहे हैं कि कम से कम उदयपुर से हम शुरू करें, उदयपुर वासियों को निरोगी करें और फिर धीरे धीरे इसको तो एक बार और हो जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।